हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मिनी मैथ। यहाँ मैं आपको क्लास वाइज और चैप्टर वाइज पूरा मैथ्स ट्यूटोरियल प्रोवाइड करूँगी। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ टाइम टू टाइम पर मिलते रहें। गाइज, वेलकम बैक इन एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। पहले 3 क्या बोल रहा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं और उसी के बेसिस पे हमें इसका इक्वेशन बनाना है पहले तो, और फिर उसके बाद उसे सॉल्व करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आता सबको है। ओके, तो अब करना स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। लेट फर्स्ट नंबर अगर मैं ले लूं, एक नंबर ले लिया मैंने x एंड सेकेंड नंबर मैंने ले लिया y। ओके, तो अब बोला है फर्स्ट कंडीशन में डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, फर्स्ट और सेकेंड नंबर के बीच का डिफरेंस कितना दिया है 26। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। एंड वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर नंबर, दैट मीन्स व्हाट, x इज थ्राइस द अदर नंबर। हमने ये ले लिया, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, वन नंबर इज थ्राइस द अदर नंबर, थ्री टाइम्स है उसके दूसरे नंबर के। ओके, तो हमको दो इक्वेशन मिल गई और हम क्या करते थे इसको, फिर फ्रॉम वन या फ्रॉम टू वी गेट ऐसे लिख के, है ना, किसी एक वन वेरिएबल में करते थे। लेकिन इसमें करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इक्वेशन नंबर टू जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स के वेरिएबल में है। ओके, एक्स का वाई के वेरिएबल में, एक्स इक्वल टू थ्री वाई ऑलरेडी वो करके दिया हुआ है इक्वेशन में ही। तो हम क्या करें, डायरेक्टली पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर टू इन इक्वेशन नंबर वन। तो क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 3y इन इक्वेशन वन, व्हाट वी गेट देन, हमको क्या मिलेगा, x के जगह पे हम क्या पुट कर रहे हैं, 3y हमने पुट कर दिया, 3y पुट कर दिया। ओके, और फिर क्या है, बाकी को एज इट इज लिख दें, माइनस y इक्वल्स टू 26। 3y माइनस y कितना हो जाएगा, 2y इक्वल्स टू 26। So y equals to कितना हो जाएगा, 26 upon 2, that means this is 13, this is 2 under 2 3 था, so y equals to what we get, 13। okay, हमें y मिल गया 13। अब क्या करें, put the value of y equals to 13 in equation, कौन से equation में, हमको कौन सा equation में put करना पड़ेगा, x की value चाहिए तो second equation में put करना पड़ेगा, so x equals to 3 into 13 तो कितना होता है 39, तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई है 39। x और y की वैल्यू हमें मिल गई, तो हमें क्या बताना था, फाइंड देम, नंबर्स फाइंड आउट करने थे। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना आ गया, फर्स्ट नंबर हमने x को लिया था, तो फर्स्ट नंबर 39 आ गया। एंड सेकेंड नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, सेकेंड नंबर आ गया हमने y को लिया था, दैट इज 13। दिस इज x एंड दिस इज y, this is your answer of the first question, third question, first part, okay? Now come to question number 3 ka second part. Second part kya bol raha hai, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 degree, find them. Thoda dikhne mein to lag raha hai ajeeb hai na, kyunki hame equation banane ke liye kuch dikh hi nahi raha hai, but hame kya pata hai supplementary angles kya hota hai, supplementary angles hota hai kisi bhi do angle ka, suppose A और B है अगर वो एंगल, तो उन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, लार्जर एंड स्मॉलर बोल रहे हैं ना ये, तो हम कंसीडर करते हैं, लेट लार्ज एंगल बी x एंड स्मॉल एंगल बी y डिग्री। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है, एंगल वन एंड एंगल टू, बोथ एंगल्स क्या है, वो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये हो गया इक्वेशन वन। अब क्या बोला है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीज द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, जो बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है, क्लियर। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर टू, तो डिग्री यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू ऑलरेडी बन चुका है। अब इससे हम सॉल्व करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, हमारा स्टेप होता है कि हमें किसी एक वेरिएबल के फॉर्म पे लिखना होता है। यहाँ पे भी देख लो सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन एक्स के ही टर्म पे है सिंगल,
ओके तो इसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में. तो हम क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन 1, द वैल्यू ऑफ x y इक्वल्स टू 18. ओके तो x की जगह पे ये क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो x की जगह पे मैं क्या लिखूं, y प्लस 18 प्लस y इक्वल्स टू 180. ये y प्लस 18 x के कारण हुआ है, ओके और ये y और 180 खुद के कारण आया एज इट इज. ओके तो अब इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2y प्लस 18 इक्वल्स टू 180. 2y इक्वल्स टू 18 इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 18 दैट इज 162. ओके सो 2y इक्वल्स टू 162, सो y इक्वल्स टू 162 डिवाइड बाय 2. व्हाट वी गेट, डिवाइड अगर हम करें तो कितना मिल जाएगा, 2 1 2 8 एंड 2 1, तो कितना मिल गया 81. y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 81. क्लियर है. अब 81 मिल गई तो उसके बाद का स्टेप क्या है हमारे पास, 81 मिल गया y equals to, तो अब हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x में. पुट y equals to 81 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो x equal, x मिल जाएगा 81 प्लस 18, कितना हो जाएगा ये 99 डिग्री. तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 99, और y की वैल्यू कितनी मिल गई, 81. सो द लार्जर लार्ज एंगल इज 99 एंड द स्मॉलर इज 81. क्लियर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में. ओके अब क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, मतलब रुपीज और बैट्स एंड बॉल्स का रोल है इसमें. सो लेट कॉस्ट ऑफ वन, क्या ले रहे हैं, कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू एक्स रुपीज. ओके एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज वाई रुपीज. क्लियर. अब ले लिया, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जाते हैं, क्या बोल रहे हैं, 7 बैट, 7 इंटू एक्स बैट, ओके प्लस 6 y 6 balls equals to 3800. This is equation number 1. Later she buys 3 bats. उसके बाद उसने क्या buy किया, 3 bats plus 5 balls. 5y equals to कितने रुपीस में, 1750 रुपीस में. ओके तो ये हो गया equation number 2. अब हम क्या करें, अब यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, यहाँ पे क्योंकि हमें किसी भी एक फॉर्म पे नहीं मिला है, क्लियर है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे. तो सपोज मैंने कन्वर्ट किया फर्स्ट इक्वेशन को, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 से हमें क्या मिलेगा, हम एक काम करते हैं x के टर्म पे कन्वर्ट करते हैं, 7x equals to 3800 minus 6y. ओके minus 6y हो गया ये. अब उसके बाद क्या होगा, हाँ ठीक है, तो x equals to कितना हो जाएगा, 3800 minus 6y upon 7. इसको रख लो इक्वेशन नंबर 3. अब इक्वेशन नंबर 3 मिल गया तो हम क्या करें, पुट कर देते हैं, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2. अब इक्वेशन 2 में पुट कर दें इक्वेशन 3 की वैल्यू, तो क्या आएगा, 3 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3800 माइनस 6y अपॉन 7, ये x की वैल्यू हो गई, बाकी एज इट इज 5y इक्वल्स टू 1750. क्लियर. अब इतना हो गया, अब क्या करें, हम इसको मल्टीप्लाई करके करते जाएं जल्दी से, जल्दी जल्दी इसको हम सॉल्व करते जाते हैं. ये वाला सॉल्व कर ले तो क्या आएगा, 3800 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 11400 माइनस 3 6 18y डिवाइड बाय 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750. ओके अब यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लिख सकती हूँ मैं, 1 लिख लिया तो एलसीएम कितना ले लूंगी मैं, 7 ले लूंगी इसका, तो इधर का तो एज इट इज रहेगा 11400 माइनस 18y, बट अब 7 इंटू 5 करना पड़ेगा, 7 5 35y इक्वल्स टू 1750. आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं होगा. ओके तो अब क्या करूं मैं यहाँ पे, 35 और माइनस 18, प्लस 35 एंड माइनस 18 कितना हो गया, माइनस 7 नहीं प्लस 70y, और ये कितना है 11400, इधर 7 को इधर ले जाके मैं क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, 1750 मल्टीप्लाई बाय 7,
अब ये 1750 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है, ये होता है 12250, ओके ये इतना आ गया। अब यहाँ पे कितना है 17y, अब ये वाला प्लस में है, इधर जाके कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 12250 में से माइनस कर दो 11400, कितना मिल जाएगा हमको ये 850, 17y equals to 850 मिल गया। तो y equals to 850 divided by 17, तो 850 divided by 17 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा, just a minute, ये मिल जाएगा 17 ones are and 17 fives are 85 और 0 का 0, तो y equals to मेरे को कितना मिल गया, y equals to मिल गया मेरे को 50। अब y 50 मिल गया तो अब हम क्या करें, इसको y 50 मिल गया तो y की वैल्यू हम किस में पुट करें, इक्वेशन 3 में पुट y equals to 50 इन इक्वेशन 3, ओके अब इक्वेशन 3 में पुट करते हैं y की वैल्यू, x equals to 3800 minus 6 into y की वैल्यू कितनी है 50 upon 7, ओके तो ये कितना होगा 3800 minus 5630 और ये 0307, ये कितना बच जाएगा 3500 अपॉन 7, दैट इज 7 ones are 7 5s are 35 एंड 00 दिस इज 500। सो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 500 और y कितना आया था मेरे पास, y आ गया था हमारे पास 50 rupees। तो मेरे को क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल्स टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल्स टू 50 rupees, क्लियर। यहाँ पे फाइंड आउट करना था कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल फाइंड आउट करना था, तो ईच बैट कितना आ गया 500 rupees, ओके एंड ईच बॉल कितना आ गया 50 rupees। स्टूडेंट सेम टाइप के क्वेश्चंस एग्जांपल में भी हैं, आप ट्राई जरूर करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप सबके लिए अच्छा होगा। गाइज अगर आपको फुल एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, एक्सरसाइज के सारे सॉल्यूशन एक्सरसाइज वाइज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।